नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैनद है और ये मेरा चैनल है डीएफ्टोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीएफ्टोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसका ना देखें कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में क्विकल एंटीवायरस या इंटरनल सिक्योरिटी या टोटल सिक्योरिटी यूज करते हो तो उसके यूज करने से ना आपके कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव में या सी ड्राइव में एक बैकअप का फोल्डर बनता है, उसको डिलीट कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे सी ड्राइव के अंदर एक क्विकल का बैकअप का फोल्डर बन रहा है, इसको हम यहाँ से डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये डिलीट नहीं हो रहा, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपका क्विकल को ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्विकल को ओपन करता हूँ। सेटिंग में जाएंगे और सेल्फ प्रोटेक्शन को ऑफ करेंगे, यस इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका बैकअप फोल्डर है क्विकल का, उसको हम परमिशन देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिक्योरिटी, ऑथराइज यूजर, एडवांस, चेंज। यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, आपका यूजर नेम क्या है इसको चेक करने के लिए आपका स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं अपना नाम डालता हूँ, उसके बाद आपको हम चेक नेम करेंगे, आ गया, ओके करेंगे, रिप्लेस, अप्लाई, यस, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फिर से वही नाम डालेंगे जो हमारा यूजर नेम है, चेक नेम करेंगे, ओके, फुल कंट्रोल, ओके, अप्लाई, ओके ओके। अब हम इसको डिलीट करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट। आप देख सकते हैं यहाँ से फोटो डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर क्विकल का जितने भी बैकअप फोल्डर बनते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको क्विकल को ओपन करना है और सेटिंग में जाके सेल्फ प्रोटेक्शन को ऑन कर देना है, क्लोज क्लोज। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय।